में से कर चुके राहुल रॉय आज हमारे साथ हैं और अब वो नजर आएंगे हिंदी फिल्म टू बी और, हाँ और yeah. बताइए चंडीगढ़ आना कैसे हुआ और कैसा लगा चंडीगढ़ हम लोग मोरनी शूट mm -hmm. कर रहे थे ये लास्ट लेग था हमारी फिल्म के लिए और चंडीगढ़ हमेशा मेरे लिए बहुत ही खास रहेगा क्योंकि मैं यहीं कुछ दूर कसौली के पास लॉरेंस स्कूल सनार में पढ़ता था तो हमारा चंडीगढ़ में बहुत आना जाना रहता था मेरे स्कूल के काफ़ी यार दोस्त यहीं पे रहते हैं तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील करता हूँ बहुत ही अच्छा लगता है और ख़ुशी की बात यह है कि काफ़ी गैप के बाद मैंने एक बहुत ही अच्छी फिल्म मेरे डायरेक्टर वरेंद्र ललित के साथ की है हरक्रिट फिल्म्स के साथ क्योंकि काफ़ी समय तक मैं कोशिश कर रहा था कि एक अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढने के लिए एक अच्छी फिल्म करने के लिए बीच में मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था परमानंट रेजिडेंसी लेकर के हालांकि मेरा मुंबई में आना जाना रहता था बट आई वॉज नॉट एबल टू गेट अ गुड स्क्रिप्ट ये शायद समय स्टार्ट हो रहा है या कुछ देर इज दिस फिल्म इनिंग प्रॉबली एंड आई हैव अनादर ब्रिलियंट स्क्रिप्ट जिसके लिए मैं फीजी जाऊँगा शूट mm -hmm. करने के लिए जिसका नाम है शूट mm -hmm. रन किल Uh, ताजु की बात ये मुझे लग रही है कि मेरी जितनी भी हिंदी फिल्में हैं सारी अंग्रेजी टाइटल्स आ रही हैं बट मे बी दैट्स द वे थिंग्स आर टुडे लेकिन टू बी और नॉट टू बी बहुत ही अच्छा लगा mm -hmm. बहुत ही इंटेंस फिल्म है साइकोलॉजिकल थ्रिलर है mm -hmm. और uh, कुछ ही एक्टरों को ऐसे रोल्स नसीब हैं आई एम रियली रियली फिल्म जैसे कि मैंने कहा कि आशकी से यू बिकेम सुपरस्टार तो क्या स्टार्डम को संभालना हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज स्टार्डम को संभालना कभी भी आसान नहीं होता है आ, लेकिन मेरी छवि जो थी नाइन ट्वेंटी थ्री ईयर्सो वो आज भी वैसे ही है मेरा कोई चेंज नहीं हुआ है आई रिमेन ग्राउंडेड बिकॉज मेरे फैमिली अच्छे हैं मेरी बीवी अच्छी है मेरे भाई मेरा भाई अच्छा है मेरे यार दोस्त अच्छे हैं तो ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है अपनी पहचान खुद को समझना बहुत ज़रूरी है लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि आप आ, को दर्शकों ने खड़ा किया हुआ है और हमारे इंडस्ट्री में हो या कहीं कहीं भी हो यू नो यू हैव टू मेक श्योर के लोग नाजायज फ़ायदा नहीं उठाते हैं mm -hmm. लेकिन सही तरीके से हम लोग अपना प्रोफेशनली काम कर सकते हैं mm -hmm. आज खेल यही हो गया कि यू स्टिल हैव टू मेक अ गुड फिल्म यू स्टिल हैव टू मेक श्योर दैट बी डन वेरी वेल लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केटिंग कैसे करते हो सो वेंट रॉन्ग आफ्टर आशिकी एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न नथिंग क्योंकि उस टाइम पे आई कुंट डू एनी थिंग सी उस टाइम पे आज की तरह आपके पास इतने सारे पी आर लोग आपके लिए उस टाइम पे कुछ ऐसा होता नहीं था वी यूज टू जस्ट साइन फेम कि आप स्टार हैं आपके ऑपोजिट ये जानी मानी हीरोइन हैं ये माने हुए डायरेक्टर हैं ये म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं स्क्रिप्ट वगैरह एक कहानी होती थी स्क्रिप्ट नहीं होती नहीं। थी स्क्रिप्ट बनते बनते फ़िल्म की बनते बनते होती थी उस टाइम पे एट वन टाइम मैं फिर से याद दिलाता हूँ लोगों को जो लोगों को पता नहीं था एट एनी गिवन वन टाइम मेरी उन्नीस फिल्में फ्लोर पे साइमल्टेनियसली थी आप उस चीज़ को कोशिश करो समझने के लिए मैं तेईस घंटे बाईस घंटे दिन में शूट करता था सेवन इन द मॉर्निंग टू टू इन द आफ्टरनून फॉर वन फेम टू टू टेन एड नाइट एन अदर फेम एंड टेन एड नाइट टू फाइव इन द मॉर्निंग ये ऐसे मैंने काम किया सेवन डेज़ अ वीक फॉर फाइव इयर्स तो मैंने ऐसे काम किया और अगर मैं कोई बदलाव चाहता था स्क्रिप्ट में इट वाज नॉट पॉसिबल क्योंकि जितने भी मेरे प्रोड्यूसर्स थे उनकी डेटें हो चुकी थी सो आई कोट चेंज एनीथिंग आई कौट चेंज द थिंग कि ये फिल्म नहीं चलेगी या नहीं uh, एक और क्वेश्चन बिग बॉस जो आया था सीज़न वन के आप विनर थे तो वट यू हैव टू से अबाउट इट जो कैरेक्टरस्टिक्स जो ट्रेड होते हैं हाउस में क्या घर से बाहर निकल कर, वो ट्रेड्स रह जाते हैं कितना टाइम लगता है वापस अपने आप में इवॉल्व होने में देखिए मैं दूसरों के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता लेकिन मैंने एक स्पिरिचुअल पात लिया जो आपने मुझे घर पे देखा मैं वैसे पहले भी था उससे और आज भी वैसे ही हूँ जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं इस बात को मेरे चाल चलन में कोई चेंज नहीं है दूसरे लोगों को टाइम लगता है क्योंकि उस घर में रहना वाकई में बहुत डिफ़िकल्ट है Uh, आप खुद को पहचान नहीं सकते हैं कि आपने ऐसी ऐसी बातें कही हैं वगैरह बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट आउट दैट बट आई विश दिस सीजन ऑफ पीपल द बिग बॉस ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप एवरी थिंग वोज वेल आज के जो रियलिटी शोज हैं और जो टेलीविजन शोज़ हैं उनका क्या सिनारीो है आपका क्या टेक है उस पर आपको क्या कहना है उस पर देखिए reality शो कोई भी हो मेरे हिसाब से इज़ अ ब्रिलियंट platform किसी भी टैलेंटेड पर्सन को mm. एक मंच बना करके आगे बढ़ने के लिए दैट इज इट लेकिन इसकी कोई वो चीज़ नहीं होती है गारंटी के उसके बाद वो जीतने के बाद आगे वो कुछ बन जाएगा वगैरह वो एक चैप्टर खत्म होता है यू हैव टू स्टार्ट अगेन विद द हार्ड वर्क बट इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू स्टार्ट तो इस सीजन में आप क्या चाहते हैं कौन जीते फंस जाऊँगा मैं आई वॉन्ट पर्सनली कोई भी जीते बट माई पर्सनल चॉइस संग्राम शुडवेन थैंक यू वेरी मच राहुल इट अ प्लेजर टॉकिंग टू यू थैंक तो ये थे हमारे साथ राहुल रॉय जिन्होंने बोला कि जो टेलीविजन शोज हैं रियलिटी शोज़ हैं उनमें उनका जो सीनारियों है वो चेंज हुआ है काफी और इस बार का जो टेलीविजन शो है बिग बॉस यानी उसमें वो पर्सनली चाहते हैं कि संग्राम जीते कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ जोत्ना पाटनी डे एन नाइट न्यूज चंडीगढ़ खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए हम मिलेंगे फेसबुक पर हम दिखेंगे YouTube पर हमें फॉलो कीजिए Twitter पर खबरों के साथ बने रहिए रात दिन